दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चे ने महापंचायत बुलाई है, जिसको लेकर दिल्ली के सभी सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम के हालात बन गए हैं। बता दें कि इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए किसानों का जत्था दिल्ली पहुँच रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इसकी परमिशन नहीं दी गई है। इस बीच जंतर मंतर पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। काफी तादाद में किसान वहां पहुंच रहे हैं। किसानों के महापंचायत के कारण भारी संख्या में जंतर मंतर पर पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा दिल्ली की सभी सीमाओं पर चल रही पुलिस की चेकिंग के कारण अलग अलग इलाकों में जाम भी लग गया है। बसों को रोककर यात्रियों की जांच की जा रही है। तो वहीं जो लोग हरियाणा और राजस्थान से आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान बसों में चढ़कर सवारियों की जांच कर रहे हैं, कहीं इनमें से कोई प्रदर्शनकारी तो नहीं है। नेशनल हाईवे 48 पर पुलिस की पिकेट की वजह से गुरुग्राम दिल्ली रूट पर ट्रैफिक काफी धीमा हो गया है। किसानों की महापंचायत को ध्यान में रखते हुए सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं नई दिल्ली के डीएसपी ने बताया कि महापंचायत के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण परमिशन नहीं दी गई। साथ ही कहा कि नई दिल्ली के सभी इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर चलने वाली किसान महापंचायत शाम 4 बजे तक चलेगी। संयुक्त किसान मोर्चे की मांग है कि लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ मिले और जेलों में बंद किसानों की रिहाई हो। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार किया जाए। स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के अनुसार MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए। देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। किसानों की ये भी मांग है कि बिजली बिल को लेकर 2022 के नियम रद्द किए जाए, साथ ही गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और गन्ने की बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।